कुरान बार बार कहता है अफला ताकुलून अफला याकुलून। दुनिया में अकलमंद थोड़े होते हैं मेरे दोस्तों, दुनिया में शुक्र गुजार थोड़े होते हैं, दुनिया में मोमिन थोड़े होते हैं। मम्मा का अक्सर मोमिनी। मैं आपको अजीब बात बताऊं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी किसको कहते हैं? जिसका उस्ताद खुद अल्लाह हो और दुनिया में वो पढ़ना लिखना। 19वें साल तक, आज बताया ना कारी साहब ने, 19वें साल में हुदैबिया हुआ हिजरत के 6 साल बाद, आपको अपना नाम मोहम्मद पढ़ना नहीं आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19वें साल तक। लेकिन अल्लाह ने आपको क्या इल्म दिया? कायनात में कोई उसका जोड़ नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, अकल दुनिया में जितना, ये कुरान उम्मी पे उतरा, सहाबा उम्मी, ये जमा, ये उम्मत भी उम्मी, दुनिया में जितना माल है सब उम्मियों के पास है। ये मेरी पक्की तहकीक बता रहा हूं। दुनिया के अमीर तरीक लोग अनपढ़ लोग हैं और पढ़े लिखे उनके नौकर हैं, कंफर्म बात बता रहा हूं। बिल गेट्स, ये जो बड़ा बिल गेट्स, हाई स्कूल फारिग। स्टीव जॉब्स आईफोन का मालिक, हाई स्कूल फारिग, कोई पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ पढ़ के आदमी पढ़ जाता है। ये जो लुलू सुपर मार्केट है दुबई में, 150 से ज्यादा वो उसके बड़े स्टोर, अरबपति, अनपढ़। इंडिया के टॉप 10 लोग जो अमीर तरीन लोग हैं, 300 में मिला, अनपढ़। दुनिया का टॉप स्पोर्ट्समैन माइकल शूमाकर, अनपढ़। मैं आपको पूरा ग्लास वाले, टाइलों वाले, कपड़े वाले, डेनम वाले, अनपढ़ सारे नौकर उनके पढ़े लिखे। क्यों? माँ बाप ने बचपन से कहा बेटा पढ़ ले नौकर बनना। मुझे एक इमाम, वो हमारा है, वो बेचारा जरा दूसरे मसलक का है, कहता सईद भाई अल्लाह ने आपको बोल दिया, मुझे दुआ कर दे अल्लाह मुझे बहरिया टाउन का इमाम लगा दे। मैं कहा कुरान में दुआ है? कहाँ है? मैं कहे पढ़ो का क्या है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युन वज़अलना लिल बहरिया टाउन इमाम। दो इमाम बने। मैं कहा इमाम साहब अल्लाह ने आपको मुत्तकियों बनाया, आप क्या बहरिया टाउन कर रहे हैं? हम तो अल्लाह ने मुत्तकियों का इमाम बनाया। सच बताओ, एक आप कोई आदमी किसी को भेजे अमेरिका, जाओ पायलट बन के आओ, अब पायलट की तनख्वाह शुरू होती है 20 लाख से, और वो पायलट बन के आया, माँ बाप ने करोड़ रुपए खर्च किए और आया, उसने कहा अम्मा आज से मैं रक्षा चलाऊंगा, क्या कहेंगे माँ बाप? मारेंगे इसको जालिम, 20 करोड़ रुपए, हम तो सोचा थे बैरियर टाउन मकान बनाएंगे, तू भी रक्षा। एक सर्जन बन के हार्ट सर्जन कह रहा अम्मा आज से पंक्चर की दुकान खोलू। हमें आपको अल्लाह ने नबियों का काम दिया है। ये दुनिया अल्लाह की कसम खा रहा हूं, ये जो रोजी कमाना है ये हमारे जिम्मे में नहीं है। माँ उरीदो मिन रिस्क, हम तुमसे रोजी कमाना नहीं चाहते। तलाक हराम नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। सोना औरत का पहनना हराम नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सिर्फ मैंने अपने तारुफ के लिए, मैंने कबीले बनाए कौम ने तारुफ के लिए अपनी बात। और सुन लो, मैंने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, मैं तुम्हें खुद अता करूंगा। हम जब तबलीग में लगे ना, तो एक हमारे थे भाई शबीर साहब, वह भाई सईद अहमद सुन, वो थे ठेठ पंजाबी, वो ये रोजी दे चक्कर में पाई वन अल्लाह घुमा देगा तुझे, ये आदम की औलाद मेरी बात के फारे हो जाओ तुझे बेफरवा गनी कर दूंगा, वरना अगर तू फंसा इसमें, अगर अपने आप को रब बनाया तो मैं तुझे तेरे तफरकात में फंसा दूँ। कारी साहब वो बताया हमें भाई शबीर साहब ने कि हम गए जमात में, वहाँ असर का टाइम हुआ तो हमने कहा चाय भी पी लेते, चरपाई बैठे एक तरफ कुछ लोग बैठे, दूसरी तरफ चर्चियों की एक जमात है, तो वो मौलवियों के जरा खिलाफ थे वो। खैर उन्होंने कहा मौलवी बैठे नहीं, फिर उन्होंने लतीफे मौलवियों से सुनाए, उसमें एक चर्ची जो था उसने कहा वो चौधरी साहब वो भूख लगी है, तो उसने कहा अच्छा खाना खाते हैं, वो तेरे को पैसे कितने? वो कहा मेरे को 800 रुपया। वो कहा मेरे, उनका मैं तू इंज कर चर्च ले आ, चर्च खाने दे। वो कहा गल सुन, खाने का अल्लाह ने वादा किया, चर्च का अल्लाह तो कोई वादा नहीं, तू चर्च ले। भाई शबीर साहब कह रहे तो यकीन देखो, वो बात मसला ये है ना यार, सच बताऊं बुरा ना मानना भाई, मैं डरता हूँ मौलवी साहब ने बात करते। फिरौन के यकीन क्या था, जब उस पर आजाब आया कहाँ गया? उसे ऐसे अल्लाह से तौबा कराते हैं, हम पे मुसीबत आती है तो जल्दी कोर कमांडर को फोन करो, जनरल को फोन करो, आई जी बताओ यकीन उसका सही था हमारा सही था। चर्चियों में यकीन तो राजिक अल्लाह की जात है, ये चर्च का वादा नहीं है। वो यही हुआ, चर्च मारी धुएं मारे इन पे, तो थोड़ी देर में उन्होंने कहा शबीर साहब यार बड़े अजीब लोग ने, इतनी देर में वो चरपाई वालों का कोई आया हुआ, कोई इंतकाल हो गया, इधर आओ भाई कैंसिल, खाना तो बन गया, तो बिल लो, बिल दिया, जाओ खाना वो दे दो, सारा खाना चर्चियों ने होगा, देखो अल्लाह ने खाना का वादे खाना आ गया था। जैसा तू अल्लाह से गुमान करेगा वैसे अल्लाह करेगा। हमारी क्रिकेट में ना पता नहीं कारी साहब ने क्रिकेट खेली नहीं, खेलिए देख लो, मैंने आज निकलवा दी। मेरे दोस्तों हम, अगर मैं कारी साहब माशाल्लाह इन जैसे 10 मुफ्ती से कारी साहब दुआ करते हैं ताजुद में, गेंद मेरे पीछे ना आए, वल्लाह जितना गेंद से डरोगे गेंद उतना पीछे लगेगा। ये मैंने 20 साल देखा,
जैसा तू अल्लाह से गुमान करेगा वैसा ही अल्लाह तेरा मामला करेगा।